Good morning students in previous sessions we read part 1 and part 2 from the chapter fire friend and foe that sessions we read fire is both useful and dangerous we also read fire is good servant but a bad master now let us start part 3 open your books at page number 116 some fires cannot be put out with water कुछ आगों को पानी के दोबारा नहीं बुझाया जा सकता इफ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न यदि तेल में लगी आग पर पानी डाला जाए तो तेल पानी की स्तर पर तैरने लगता है और जलता रहता है दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट एंड बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि पानी तेजी से बह सकता है वो अपने साथ तेल को भी बहाकर ले जाएगा और आग को फैला देगा वाटर शुड नॉट ऑल्सो बी यूज ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस बिजली के उपकरणों के कारण लगी आग पर भी पानी नहीं डालना चाहिए द पर्सन स्प्रिंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड पानी डालने वाले व्यक्ति को बिजली का झटका लग सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रीग्यूशन इज द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर आग बुझाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड यंत्र ही बिजली से लगी आग को बुझाने का सर्वोत्तम साधन है हम आग पर काबू पाने के लिए हर साल लाखों रुपए खर्च करते हैं एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वे ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैोल और इससे भी अधिक धन आग की घटनाओं को रोकने और आग के अनियंत्रित हो जाने पर रोकने के उपाय खोजने पर खर्च करते हैं ऑन द होल वी है कुल मिलाकर हम हमने आग पर काबू पाने और दैनिक जीवन में उसके सदुपयोग का भली प्रकार सीख लिया है बच्चों एवरीडे लाइफ मतलब दैनिक जीवन हमारा लॉन्ग अगो देर वर नो फायरमैन बहुत समय पहले आग बुझाने वाले प्रशिक्षित लोग नहीं होते थे वेन फायर ब्रोकआउट एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर जब कभी आग लग जाती तो हर कोई आग बुझाने वाला बन जाता पीपल फॉर्म ह्यूमन चेन्स लोग एक मानव श्रृंखला बना लेते थे दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड वो आज भी ऐसा करते हैं अगर आवश्यकता हो एंड पास बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन टू ब्लेस और कुएं या तालाब से बाल्टियां भर-भरकर एक दूसरे को पकड़ाते हुए आग वाले स्थान तक पहुंचाते थे नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस व्हिच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क आजकल भवन निर्माण के बारे में कानून बन गए हैं जिनके अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया है कि भवनों के बीच स्थान छोड़ा जाए ताकि आग के खतरे को कम किया जा सके एवरी न्यू बिल्डिंग्स